बोले डेट है 11 और अभी मैं सुबह स्नान करके और बाकी कांवर को उठा लिया, कुछ दूर चले हैं। अभी करीबन 10 से 12 किलोमीटर रुड़की रह गया है, यात्रा शुरू चल रही है और अभी मैं कुछ चाय के लिए रुके हुए हैं और मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इस तरह का कहाँ पर रुके हुए हैं। तो कल के बारे में मैं अभी कुछ बताऊँगा, कल की यात्रा कैसी रही। आज अब की बार बारिश बहुत ज़्यादा है तो रात में भी सही से सोने के लिए नहीं मिल पाया, तो यात्रा जो है बारिश की वजह से थोड़ी कठिन होती जा रही है और आगे देखते हैं किस तरह की यात्रा रहती है। किस तरह का जो है पंडाल लगा कर दुकान लगाई हुई है, ये दुकान का नाम है ठग्गू अंकल की दुकान। तो इस तरह का यहाँ पर ये माहौल है। बोले रुड़की आने वाला है अभी, मैं 5 किलोमीटर रुड़की रह गया है। सुबह करीबन 9 बजे हमने यात्रा शुरू करी थी और अभी तक रुड़की नहीं पहुंच पाए हैं, तो रास्ते में अभी थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं। तो नहर का किनारा है, पीछे मेरे नहर है और अभी पैरों में जो है पूरा मतलब भर चुके हैं, पूरे थक चुके हैं पैर, और जबकि अभी रुड़की भी नहीं आया, उससे आगे का भी सफ़र अभी बाकी है। तो अभी आगे की डिटेल यात्रा की आगे देते हैं। ना पूछना नहीं किसी। जयशंकर की बोले थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं। बोले कैसा लगा? बहुत आनंद आया। अभी कितनी दूर है रुड़की? बोले बस 10-12 किलोमीटर। तो पहुंच जाएंगे एक घंटे में? क्यों नहीं, बोले श्रद्धा रखो, 15 मिनट में भी पहुंच सकते हैं। बोले अभी रुड़की क्रॉस कर दी है और अभी थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठे हैं और बाकी सभी लोग इस तरह बैठे हैं और सभी पूरे जो ग्रुप में है सभी लोग हैं बैठे हुए हैं और रुड़की अभी क्रॉस की है। और जो नाइट का स्टे होगा रात में, मंगलोर एक जगह है वहाँ पर रुकने की कोशिश करेंगे, या उससे पहले अगर कुछ मिलता है तो वहाँ पर।